यदि मुझसे इसके बीच में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे अपना छोटा बच्चा समझकर माफ कर देना। प्यारे बंधुओं, ये कैसा देश था। मेरे देश में महाराणा प्रताप जैसे वीर, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, श्रद्धानंद जैसे सन्यासी और लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया। लेकिन मैं कहूँ तो क्या कहूँ, चुप रहता हूँ तो अरमान दबे जाते हैं, अरे कुछ कहता हूँ तो राज खुले जाते हैं। प्यारे बंधुओं, हमारे देश को आजाद कराने में न जाने कितने वीरों ने बलिदान दिया, हमें उनके रक्त किए गए खून की कीमत चुकानी है। मैं लोगों से कहता हूँ कि अपने युवाओं को बचाओ। जिस देश में आर्य वीर हुआ करते हैं वो देश कभी किसी की गुलामी नहीं करता और उन्नति के पथ पर बढ़ता चला जाता है। परंतु जब किसी देश के युवा ही गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो वह देश स्वयं ही गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाता है। आजकल के युवा पथ भ्रष्ट होते जा रहे हैं और हर समय गलत कार्यों में संलग्न रहते हैं। वतन की हालत जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। किसी कोने में खो गई आदमियत, किसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। जिन्हें जिंदगी का रक्षक चुना था, जिन्हें जिंदगी का रक्षक चुना था, हमें क्या खबर थी वो सताने लगेंगे। जिन्हें जिंदगी का रक्षक चुना था, हमें क्या खबर थी वो सताने लगेंगे। हमें क्या पता था कि चूहे भी एक दिन बिल्ली को आके दिखाने लगेंगे। नदी के किनारे ले जाने वाली नैया किश्ती को एक दिन डुबाने लगेंगे। नदी के किनारे ले जाने वाली नैया किश्ती को एक दिन डुबाने लगेंगे। इस देश को बचा लो आर्य वीरों, वरना ये भ्रष्ट नेता इस देश को खाने लगेंगे। जय हिंद जय।